दोस्तों अक्सर जब भी आप पुलिस स्टेशन जाते हो, पुलिस स्टेशन जाने के बाद में आपके साथ कोई भी मिसबिहेव होता है। अक्सर हमने ये भी देखा है, पुलिस स्टेशन गए थे कंप्लेंट लेकर गए थे किसी व्यक्ति की जिसने आपके साथ में कोई अपराध किया, जिसने आपके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, कुछ भी बात हो सकती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में खुद आपकी लड़ाई हो गई पुलिस वालों से और पुलिस वालों ने आपको थाने में बैठा लिया, गाली भी दी, थप्पड़ भी मारा और आपके अगेंस्ट ही एक नई रिपोर्ट बनाकर तैयार भी कर दी। ऐसे कई सारे मामले अक्सर देखने को मिलते हैं। या फिर आप रोड पे जा रहे हो, वहाँ पुलिस वालों ने आपको रोका, आपके साथ मिसबिहेव किया, गाली गुफ्तार आपके साथ में की, उसके बाद में मामला आगे बढ़ता गया और बाद में पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर आपके अगेंस्ट लगा दी। ऐसे कई सारे मामले अक्सर सामने आते हैं जहाँ पर पुलिस आपके साथ मिसबिहेव करती है, आपके साथ अत्याचार करती है और ऐसी कई सारी घटनाएँ हो जाती हैं जो घटनाएँ नहीं होनी चाहिए थी। जब कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन करता है, आपको मारता पीटता है, गाली देता है या फिर आपको मान लीजिए पकड़कर अपनी किसी शॉप में अपने घर पर बैठा लिया और शाम तक बंदी बनाकर रखा, किडनैप कर लिया आपका, तो क्या पुलिस अगर ऐसे कोई कृत्य करती है, पुलिस कोई भी ऐसा मामला, ऐसे किसी भी घटना को अंजाम देती है तो क्या पुलिस के अगेंस्ट भी एक्शन होगा? बिल्कुल होगा, पुलिस के अगेंस्ट एक्शन होगा। बस आपको पता होना चाहिए किस धारा में अपराध किया और आपको कंप्लेंट करनी होगी। आज मैं आपको बताऊंगा पुलिस कब आपके साथ किस धारा के अनुसार अपराध कर देती है, आप कंप्लेंट तक नहीं करते हो और उस चीज को चुपचाप से सहकर बैठ जाते हो। अगर कोई पुलिस वाला अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करता है और बहुत ज्यादा आपके साथ अत्याचार करता है तो आप क्या रेमेडीज लेंगे, उन सभी चीजों को जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों चाहे कोई पुलिस वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो या पुलिस से लिंक रखता हो, वो भी अगर कोई इल्लीगल एक्ट करेगा और आपके आर्टिकल 19, 21, 20 या 22 का वायलेशन करेगा तो ऐसे सभी मामलों में उसने अपराध किया है और इन अपराधों के विरुद्ध आपको उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा गाली देने से। गाली अक्सर आपने देखा है कि आप पुलिस स्टेशन में गए, कुछ भी आपने बोला, पुलिस वाले ने आपको बहुत गंदी गंदी गालियां दी और पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया। दोस्तों पहली बात तो जो पुलिस स्टेशन है वो सरकारी प्रॉपर्टी है, किसी पुलिस वाले का कोई निजी संपत्ति वो नहीं है जो आपको वहां से बाहर निकाल दे। आप गए हो पुलिस को कंप्लेंट देने के लिए और ऐसा आपके साथ हुआ, गालियां आपको दी गई हैं, तो उनकी कंप्लेंट आपको उनके सीनियर अफसरों को करनी ही चाहिए। और वो ना सुने तो आगे आप कैसे कंप्लेंट करेंगे, सब कुछ बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। आगे आगे आप सुनते जाइए इसको। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके। सबसे पहली बात कि मान लीजिए पुलिस वाला आपके साथ गालियां देता है, उल्टी सीधी गालियां देता है, गंदी गंदी गालियां देता है, आप गाली सुनकर आ जाते हैं तो सिर्फ आप उन चीजों को रिकॉर्ड कर लें। हालांकि आप फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है उसके अनुसार पुलिस वाला आपको रोकेगा नहीं। और अगर आप किसी भी तरह से उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, आपके साथ कोई गया था उसने रिकॉर्डिंग कर ली, तो कंप्लेंट आप अगर करते हैं तो ऐसे पुलिस वाले को 3 महीने तक की सजा और साथ में फाइन हो सकता है अगर कोई पुलिस वाला ऐसा आपके साथ करता है। ये तो थी पहली बात जब पुलिस वाले ने आपको गालियां दी। अब दूसरी बात आती है कि पुलिस वाले के साथ जब गाली गुफ्तार हुआ, पुलिस वाले ने आपको गालियां दी, आपने थोड़ा भी कानून उसको बताने की कोशिश की, पुलिस वाले ने आपको एक थप्पड़ जड़ दिया, आपको एक दो थप्पड़ उसने मार दिए। थप्पड़ जैसे ही वो मारता है या फिर कोई भी व्यक्ति जब किसी को मारता है तो ऐसे मामले में 1 साल तक की कैद और साथ में फाइन का प्रावधान है अपने देश के कानून में। ऐसे ही कोई किसी को मार नहीं सकता, मारने की परमिशन पुलिस को भी नहीं दी गई है। और आप पिट भी जाते हो, पिटते हो इसलिए आपको कानून का पता नहीं, पर अगर आपको कानून का पता होगा ऐसे पुलिस वालों के अगेंस्ट अगर आप कंप्लेंट करोगे तो मेरा मानना है आपको जो आपके साथ इंसल्ट की गई थी, ऐसे पुलिस वालों के अगेंस्ट जिन्होंने आपके साथ में ऐसी हरकत की थी, उनके अगेंस्ट एक्शन भी होगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बैठ जाएगी, हो सकता है उन्हें सस्पेंड तक कर दिया जाए। अब तीसरे मामले की हम लोग अब बात कर लेते हैं। तीसरे मामले में क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी भी मामले की सुनवाई कराने के लिए, मतलब कंप्लेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस स्टेशन में आप जाते हो, अपनी कंप्लेंट जाकर देते हो, पुलिस वाला आपकी सुनवाई ही नहीं कर रहा।
या फिर मान लीजिए पुलिस वाला उस व्यक्ति को जानता है जिस व्यक्ति के अगेंस्ट आप कंप्लेंट देने के लिए गए हो, पुलिस वाला किसी भी तरह से आपके फेवर में कुछ काम करने को तैयार नहीं, कंप्लेंट तक आपकी नहीं लेता है, जो इन्फॉर्मेशन आप देने गए हो नहीं लेता है, तो ऐसे मामले में जो पुलिस वाला है उसने यहाँ पर जो अपराध किया वो किया 66A का, और ऐसे मामले में 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जो कैद का प्रावधान है वो हो सकता है, ऐसे पुलिस वालों के अगेंस्ट एक्शन हो सकता है अगर आप कंप्लेंट करते हैं। अब एक मामला और आता है कि पुलिस वाले के पास आप जाते हैं किसी भी तरह से कंप्लेंट देने के लिए और दूसरी पार्टी से पुलिस मिली हुई है, ऐसे में आपके अगेंस्ट ही कोई भी केस तैयार पुलिस कर देती है और ज़बरदस्ती आपसे उस पर साइन भी करवा लेती है, बिना बात का कन्फेशन आपसे रिकॉर्ड करवा लेती है, तो ऐसे मामले में भी पुलिस को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है उस पुलिस वाले को जिसने ऐसा कोई भी कृत्य किया था, ऐसी कोई भी घटना को अंजाम दिया था। अब एक बात और आती है कि पुलिस वाले अक्सर किसी को भी पकड़ कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब मान लीजिए पुलिस वाले आपको उठाकर ले गए या कहीं भी रास्ते में आप मिले, उसको सीधा आपको बाइक पर बिठाया, चल मेरे साथ, और चौकी में जाकर बिठा दिया। चौकी बिठा दिया, कोई सबूत नहीं, कोई केस नहीं, कुछ भी नहीं, बस किसी के कहने पर ऐसे ही सबक सिखाने के लिए अक्सर लोग एक दूसरे के साथ में रंजिश में ये कांड कर देते हैं, या पुलिस वाले को कभी आपने कुछ गलत कहा होगा, जाके चौकी में बिठा दिया, बिना बात में बिठा दिया, सुबह बिठाया, शाम तक बिठाए रखा, रात भी बीत गई। तो दोस्तों ऐसे मामलों में देखा जाए तो 220 में कार्रवाई पुलिस वालों के अगेंस्ट हो जाती है, बिना बात में अगर वो ऐसे आपको बिना सबूत के थाने में रखते हैं, बंद करते हैं, बैठा कर रखते हैं, ऐसे मामलों में 7 साल तक की कैद और साथ में ही फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, ऐसे मामलों में भी पुलिस के अगेंस्ट एक्शन होगी, 220 IPC यही कहता है। अब दोस्तों एक और मामला आता है IPC 219 का। मान लीजिए पुलिस वाले ने किसी भी तरह की एक झूठी रिपोर्ट बनाई और झूठी रिपोर्ट बनाकर उसको कोर्ट में लगा भी दिया, इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जब भी कोई FIR होती है तो FIR को आप चैलेंज करें, साथ में ही अगर चार्जशीट लगी है चार्जशीट को आप चैलेंज करें, डिवीज़न में जाएं, या फिर हो सकता है कि आप री इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जाएंगे तो भी मामलों के सॉल्यूशन आपको निकलेंगे। बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई है, वो वीडियोस आप देखेंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। पुलिस अगर ऐसा कोई भी एक्ट करती है जिसमें कि बिना बात में आपके अगेंस्ट कोई केस बनाया, उस फर्जी रिपोर्ट को बनाकर जाकर कोर्ट में भी लगा दिया, तो ऐसे मामलों में 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, ऐसे पुलिस वाले को फाइन भी लग सकता है। और मैं आपको साथ ही एक बात और बता दूं, अक्सर देखा गया है ऐसा पुलिस किसी को उठाती है बिना बात में या किसी के कहने पर या किसी की साठगांठ से उठाती है, रात भर थाने में रखती है, पूरा दिन बीत जाता है, 24 घंटे बीत जाते हैं, हालांकि 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति को जिसको पुलिस ने पकड़ा है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए हैं पर आपको बताया नहीं जा रहा है, और बाद में उसको छोड़ने के लिए पैसे की डिमांड भी की जा रही है, तो ऐसे मामलों को दोस्तों किडनैपिंग बोलते हैं। किडनैपिंग का मामला 365 IPC में लिखा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं उसके अंदर। ऐसे में ऐसे पुलिस वालों के लिए काफ़ी सारे जजमेंट्स भी आए हैं, काफ़ी जजमेंट्स पर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप उन वीडियो को देखेंगे, अपने कानूनी अधिकार आप जान पाएंगे। पुलिस अगर ऐसा कोई भी एक्ट करती है तो पुलिस ने किडनैपिंग की है, किडनैपिंग फिर चाहे कोई भी करे, चाहे तो कोई प्राइवेट पर्सन करे या फिर पुलिस इस तरह से आपको बैठा कर रखती है, किस चौकी में बैठा कर रख लिया या थाने में कहीं किसी कमरे बंद कर दिया या अपने घर ही ले गए या किसी शॉप पर ले गए, ऐसा कोई मामला अगर होता है तो पुलिस के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। अब बातें ये आती हैं कि ठीक है ये सभी सेक्शंस में कार्रवाई तो होगी, बट कार्रवाई होगी कहाँ से? दोस्तों कार्रवाई करने के लिए आप क्या करें, ऐसी कोई भी घटना आपके साथ हुई है, सबसे पहले तो ऐसे पुलिस वालों की उनके सीनियर अफसरों को कंप्लेन करें, रिटर्न कंप्लेंट दें, उसकी रिसीविंग जरूर लें, सिर्फ जाकर बोले नहीं। अब आप बोलेंगे पुलिस वाले के अगेंस्ट ही कोई भी एक्शन क्यों लेगा, एक्शन लेगा, सीनियर अफसरों को आप जाके बोलेंगे एक्शन होगा, एक्शन होता है, और ये एक्शन होने के बाद पुलिस वाला सस्पेंड तक होता है, उस पर इंक्वायरी भी बैठती है, उस पर इन्हीं धाराओं के तहत कोई भी केस भी दर्ज हो सकता है। आप अपने वकील साहब की सहायता लें, अगर आपको नहीं पता या कोई भी कानूनी जानकार हो उसकी सहायता लेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जो है, जिसको हम PCA बोलते हैं, आप वहां पर जाकर भी कंप्लेंट करेंगे तो वहां पर रिटायर्ड जजेस बैठे हैं जो पुलिस के अगेंस्ट काम करने ही बैठे हैं, ऐसा कोई मामला हुआ है तो आपको इनकी कंप्लेंट PCA में करनी चाहिए, पुलिस कंट्रोल अथॉरिटी में, या फिर आप जाके विजिलेंस को भी कंप्लेंट दे सकते हैं, आपके साथ मारपीट हुई, बहुत ज्यादती हुई है, कोई भी अत्याचार हुआ है, सीधा विजिलेंस को भी जाके आप कंप्लेंट दे सकते हैं। विजिलेंस भी पुलिस पर जो एक्शन करती है उनके लिए ही बैठी है, वो जो आम जनता है उनके लिए नहीं है, या फिर पुलिस वाले आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो यहाँ पर एंटी करप्शन में जाकर भी आप कंप्लेंट दे सकते हैं ऐसे पुलिस वालों की। और फिर भी आप अगर चाहते हैं ऐसे पुलिस वालों के अगेंस्ट FIR करवाना, तो FIR जो आपने रिटर्न कंप्लेंट दी है उसी रिटर्न कंप्लेंट को आप पहले लोकल थाने में आप पोस्ट कर दें,
फिर डीसीपी साहब या एसपी साहब हैं उन्हें पोस्ट कर दे, दोनों की कॉपी लगाकर 156(3) के प्रावधान का इस्तेमाल करें। किसी भी वकील साहब से जाके आप मिले, वो 156(3) में ऐसे पुलिस वालों के अगेंस्ट एफआईआर कटवा जरूर देंगे और पुलिस वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। और ऐसे कई बार मामलों में पुलिस वाले जेल गए भी हैं। दोस्तों, पुलिस वाले सिर्फ अपनी नौकरी करते हैं, नौकरी करने की ही उनको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है, पर किसी पर भी ऐसे अत्याचार नहीं कर सकते। नौकरी मिलने के बाद वो सोचें सर्वे सर्वा हम ही हैं, हम ही कानून हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अपने देश का जो कानून है वो इसकी परमिशन नहीं देता है, ह्यूमन राइट्स भी परमिशन नहीं देता है, और इन सब चीज़ों के लिए ही समय समय पर अलग अलग जजमेंट्स और गाइडलाइंस आती रहती हैं। आपके साथ कोई भी ऐसी घटना हुई है तो उस घटना के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या क्या सलाह आप चाहते हैं सलाह भी आप हमसे ले सकते हैं, और कोई भी केस को डिस्कस करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपको एडवाइस करेंगे आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है हमारे थ्रू आपको कोई ऐसी सलाह मिल जाए कि जो आपके केस का पूरा रुख ही बदल दे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके पास कोई सबूत हो या ना हो, पर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है आपको कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए। अभी तक पुलिस से आप डर रहे थे, अब वो पुलिस वाला आपसे डरेगा, आपके आगे पीछे हाथ जोड़कर घूमेगा कि अपनी कंप्लेंट को वापस ले लो, और आपको वापस लेनी नहीं है, उस कंप्लेंट को आगे तक लेकर जाना है। ऐसे पुलिस वालों को सबक सिखाना बहुत दोस्तों जरूरी होता है। मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।